दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हो। नहीं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लॉ केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो इस पर 100% विश्वास करते हैं। 99.99% भी नहीं चलेगा, पूरा 100% चाहिए ही चाहिए। और अगर आपको यकीन नहीं है तो इस वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि दुनिया में हर चीज वाइब्रेट कर रही है। आपकी बॉडी की करोड़ों सेल्स हर सेकंड वाइब्रेशन मोड में रहती है। अगर आप किसी भी इंसान से पूछेंगे वो कैसा महसूस कर रहा है और उसने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, इसका मतलब वो लो वाइब्रेशन में है, यानी उसकी वाइब्रेशन कम है। और जब कोई कहता है कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, इसका मतलब वो हाई वाइब्रेशन में है, यानी उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है। लो वाइब्रेशन का मतलब है नेगेटिव एनर्जी और हाई वाइब्रेशन का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं 24 घंटे में हर सेकंड हम कोई ना कोई एनर्जी को आकर्षित कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हर वक्त इस ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों से जुड़ा होता है। जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तब हम इस ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं, और जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तब हम इस ब्रह्मांड की नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। इसीलिए खुश रहने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं और दुखी रहने वाले लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। जब भी दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और जब सुबह के समय कुछ बुरा होता है तो पूरा दिन बुरी तरह बीतता है। और ये सब वाइब्रेशन की वजह से होता है, लेकिन आप किसी भी वक्त अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने 5 तरीके बताए हैं जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। उन तरीकों को जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।